हेलो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है और उसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं लाइक यहाँ पर डेटा सेफ्टी का एक अपडेट आया हुआ है उसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं कैसे करेंगे वो सारे अपडेट वो हम आपको इसमें बताएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले कंसोल के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है यहाँ पर आप ऑल ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी ऐप लाइव होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा ठीक है तो आपको उस ऐप को सिलेक्ट कर लेना जिस ऐप में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो मैंने इस ऐप को सिलेक्ट कर लिया इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद ये इसको हम दिखा देते हैं ये हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर लाइव है तो प्ले स्टोर पर लाइव हो जाने के बाद आप कैसे चेंज करेंगे तो वो सब हम आपको इसमें बता देंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है सबसे लास्ट में और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाता है ऐप कंटेंट का ऑप्शन तो ऐप कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐप कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक यहाँ पे डेटा सेफ़्टी का पार्ट उसको आपको कंप्लीट करना है प्राइवेसी पॉलिसी एंड बाकी सारे जो डिटेल है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है अगर आपने कुछ मिस किया है या फिर चेंजिंग करना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आप चेंज करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं इसको रिमूव करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं यहाँ से ओके तो ये तो हमारा हमारा हो गया प्राइवेसी पॉलिसी फिर आपको डेटा सेफ्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू अपडेट है इसमें आपको फिलअप करना होगा तो इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कलेक्शंस ऑफ सिक्योरिटी का कुछ यहाँ पे इसको फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऐप आप में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है तो इसको आप रीड करके आप इसको कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन में कोई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई भी पार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एस या नो पे टिक करेंगे तो इस तरह आपको करने के बाद इसको सेव पर क्लिक कर देंगे सेव हो जाएगा फिलहाल हमारे इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है मतलब कोई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया इसलिए इसलिए आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे नो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन रिमूव हो जाते हैं यहाँ पे ओके आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है आपको अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें फिल करने के बाद ओके सेव ऊपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर इसको सेव कर देंगे तो आपका जो डेटा सेफ्टी का जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल फाइव स्टेप्स हैं यानी फाइव स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका इसके बाद से आपको सी एस वी फाइल एक मिलती है अगर सी एस वी फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पार्ट है इंपोर्ट यानी कि अगर डाउनलोड करना चाहते हैं और इम्पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट यानी कि कुछ भी जो डाउनलोड करने के बाद उसमें अपलोड करना चाहते हैं वो हो गया और एक्सपोर्ट का मतलब आपका यहाँ पे सी एस वी फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर में तो यहाँ से हमारा सी एस वी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद इसको हम जस्ट राइट क्लिक करते हैं और इसको नोट पैड पर ओपन कर लेते हैं तो इसमें कुछ कोड हैं जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं तो इसको आप कुछ भी रिमूव नहीं करना इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं अभी तो अगर आपको सी एस पी फाइल की ज़रूरत है तो आप सी एस वी फाइल यहाँ से डाउनलोड करके इस पर अपलोड कर सकते हैं तो अगर आपको जरूरत है यानी कि अगर आपके ऐप आप में कोई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप इसको कर सकते हैं अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है इसके बाद ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया इसके बाद एक चीज़ और है ये तो हमारा ऐप ऐप कंटेंट में आप आते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो और उसके बाद से अगर आपका ऐप किसी रीजन से कोई रिजेक्ट होता है तो उसके बाद भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो मैंने इसको एक चीज़ और यहाँ से दिखा देते हैं लाइक यहाँ पे एड्स हैं अगर आपके एप्लीकेशन में ऐड को अगर आपने पहले ऐड नहीं लगाया था अब आपने ऐड लगा दिया तो आप यहाँ पे एस नो पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं ऐप एक्सेस है और यहाँ पे आपका जो ऐप आप एक्सेस है आपके ऐप आप में कोई एक्सेस मतलब कि आपके जो ऐप आप हैं सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं विदाउट एनी परमिशन तो आप इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे कंटेंट रेटिंग एंड टारगेट ऑडियंस है तो आप अपने एप्लीकेशन में कितने एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक यहाँ पे सिक्सटीन सेवेंटीन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं एट्टीन रख सकते हैं अपने ऐप में फिलहाल हम यहाँ पर जो है वही रहने देंगे तो मेनली अगर आपका ऐप आप किसी रीजन से रिजेक्ट होता है तो आप उसको वहाँ से एज ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एटीन प्लस कर दीजिए तो जो एरर है रिमूव हो जाता है ओके तो ये हमारा हो गया सारे स्टेप आप यहाँ पे ऐप कंटेंट में आकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके बाद से आप प्रोडक्शन में आएंगे अगर आप यहाँ पे कोई भी एपीके का फाइल अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करके जो भी आपका एपीके होगा आप यहाँ से अपडेट करके यहाँ पे अपलोड करके न्यू वर्जन के साथ इसको अपलोड कर सकते हैं तो ये मेनली बेसिक वीडियो है हमारा जो कि आपको सारे स्टेप हम यहाँ से बता रहे हैं कि कैसे चीज़ें आप यहाँ से अपडेट करते हैं ओके उसके बाद एक और चीज़ है इसमें स्टोर लिस्टिंग का पार्ट यानी कि उसमें बेसिक चेंजेस लाइक यहाँ पे ऐप का नेम एंड डिस्क्रिप्शन लोगो एंड बाकी सारे जो डिटेल है और यहाँ से हम ओपन करके दिखाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐप का नेम हो गया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐप का लोगो बैनर इमेज और यहाँ पे ऐप का स्क्रीन शॉट अगर आप इसको आप स्क्रीन शॉट चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग या फिर कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और अगर आप वीडियो इसमें ऐड करना चाहते हैं यानी कि डेमो वीडियो तो आप यहाँ से यूट्यूब का वीडियो ऐड कर सकते हैं बस यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे अवेलेबल है आप यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इन रिव्यू में आ गया क्योंकि मैंने डेटा सेफ्टी से रिलेटेड से जो था वहाँ से मैंने सेव किया था और यहाँ पे चेंज करके अपलोड किया था तो इस तरह से हो जाने के बाद इन रिव्यू में आ जाएगा और इसके बाद तीन चार घंटे के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लाइव है हमारा ऐप तो अपडेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही कम टाइम लगता है दो से तीन आवर लग सकता है तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ से आप कर लेंगे अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसका नेक्स्ट वीडियो तो इसका बेसिक वीडियो हो होप सो कि आपको सारे स्टेप क्लियर समझ में आ गए होंगे थैंक यू